आज का हमारा ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए कि बात हम मनोज तिवारी की कर रहे हैं। जी हाँ, भोजपुरी के वो सुपरस्टार जिन्होंने भोजपुरी में कई सुपरहिट फिल्में, कई बेहतरीन गाने और कई ऐसे अनमोल एल्बम दिए हैं जिन्हें आज भी लोग उनकी मधुर आवाज़ में सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज हम आपको मनोज तिवारी की 5 ऐसी बातें बताएंगे जो आज तक आपको पता नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर नंबर 1, यानी कि काशी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। पोस्ट ग्रेजुएट है मनोज तिवारी और वो फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहते थे। और रही बात करियर की, तो लोग ऐसी चीज़ों को तो करियर मानते ही नहीं हैं। हाँ, बात जब आई अपना भरण पोषण करने की, तब मनोज तिवारी सोच में डूब गए, भाई करूँ तो ऐसा क्या करूँ। तो एक दिन जनाब के गांव में एक बारात आई। कहा जाता है कि उस बारात में ऑर्केस्ट्रा वाली आए थे। जी हाँ, उन्होंने अपने कई गानों से लोगों को झूमने पे मजबूर कर दिया। ऐसे में मनोज तिवारी के बड़े भाई ने कहा, तुम भी तो बहुत अच्छा गाते हो और क्यों नहीं जाके एक दो गाना ही गा लेते। और मनोज तिवारी ने भी सोचा, ठीक है, गाने में क्या जाता है। वैसे मनोज तिवारी गाया करते थे, उनके मुताबिक वो मंदिरों में बैठकर भजन कीर्तन बहुत अच्छा कर लेते थे। लेकिन जब गाना गाना शुरू किए, वहाँ बैठे सारे बाराती, इवन दूल्हा और दुल्हन, सभी मनोज तिवारी को सुनने आ गए। जी हाँ, ये खुद मनोज तिवारी बताते हैं कि उस ऑर्केस्ट्रा में उस गाने पर उन्हें उनके गांव में 1700 रुपये इनाम भी मिला था। और तब मनोज तिवारी का खर्चा महज महीने का 300 से 500 रुपये के बीच हुआ करता था। जब उन्हें 1700 रुपये मिले, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो गायकी में अपना करियर बना सकते हैं। और अब बढ़ते हैं मनोज तिवारी की जानकारी नंबर 2 के बारे में। क्या आपको पता है कि मनोज तिवारी का जो फेमस गाना है निविया की डारी मैया, वो उन्हें किसने सिखाया? हाँ, सोचिए सोचिए, नहीं समझ में आया ना, तो हम बताते हैं। वो किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी माँ ने उन्हें सिखाया। एक इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने बताया कि उनकी माँ ने उनसे कहा, क्या अनाप शनाप गाने गाते रहते हो, कुछ ढंग के गाने गाओ। तो मनोज तिवारी ने हंसते हुए माँ से कहा, माई तू ही बता दे कौन सा गाना गाऊं। तब उनकी माँ ने उन्हें ये गाना सिखाया और कहा, ये गाना गा के तो देखो। और मनोज तिवारी ने ये गाना अपने कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गाना रिलीज करके मनोज तिवारी रातों रात सुपरस्टार बन गए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन इसके लिए मनोज तिवारी को एक लंबा सफर तय करना पड़ा। अब बढ़ते हैं मनोज तिवारी की जानकारी नंबर 3 के बारे में। मनोज तिवारी वैसे हमारी खबर नंबर 3 खबर नंबर 2 से जुड़ी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे निविया की डार से रातों रात सुपरस्टार बन गए मनोज तिवारी। हुआ यूं कि मनोज तिवारी के कुछ दोस्त वैष्णो देवी जा रहे थे, सो मनोज तिवारी भी उनके साथ चल दिए वैष्णो देवी। और वैसे भी वैष्णो देवी जाने से पहले मनोज तिवारी टी सीरीज के लगातार चक्कर काट रहे थे और उनका काम बन नहीं रहा था। फिर अचानक से जब वो वैष्णो देवी से लौटे, तो उन्हें याद आया कि बहुत दिन हो गए वो टी सीरीज के ऑफिस नहीं गए, और जाके वहाँ देखे कि इस बार उनका गाना सुना जाता है या नहीं। जैसे ही मनोज तिवारी टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे, उन्हें देखते सभी ने बोला, वो देखो बीएचयू वाला लड़का आ गया, फिर वो हमसे काफी पूछताछ करेगा और कहेगा, अरे भाई मेरा एक बार तो गाना सुन लो, अरे भाई मेरा एक बार तो गाना सुन लो। हुआ भी ऐसा ही। मनोज तिवारी गए और उन्होंने कहा, अरे भाई एक बार तो मेरा गाना सुन लो। और मौके पर वहां उस दिन गुलशन कुमार थे। जैसे ही मनोज तिवारी ने ये बोला कि भाई एक बार मेरा गाना तो सुन लो, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, ये बात गुलशन कुमार के कानों में पड़ी और उन्होंने मनोज तिवारी को अंदर बुलाया।
और कहा कि अपने साथ तुम क्या लाए हो, जिसे सुनने के बाद हम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तब मनोज तिवारी ने अपना वही गाना जो उनकी माँ ने उन्हें बताया था, वही गाने की कैसेट निकाल कर गुलशन कुमार के सामने रख दी। गुलशन कुमार ने जैसे ही उस गाने को प्ले किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुलशन कुमार काफ़ी देर तक उस गाने को सुनते रहे और सुनने के बाद अवाक होकर मनोज तिवारी की तरफ देखने लगे और कहा, भाई ये तो भोजपुरी का सुपरस्टार है। और उन्होंने जल्द से जल्द इस गाने को रिलीज करने की और उसे रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी ली। और फिर उसके बाद क्या था, आप सभी जानते हैं कि मनोज तिवारी रातों रात इस गाने से स्टार बन चुके थे। और अब खबर नंबर 4, खबर नहीं जानकारी नंबर 4। क्या आपको पता है कि मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो कि भोजपुरी की बहुत ही बड़ी और फेमस फिल्म है, इस फिल्म में आने से पहले तकरीबन 10 साल तक मनोज तिवारी ने गाने गाए थे और वो इतने बड़े स्टार हो गए थे कि लोग उनके साथ फिल्मों में काम करना तो चाहते थे, लेकिन डरते भी बहुत थे कि कहीं ये फिल्में करने से मना न कर दे। फिर ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहुंच गए मनोज तिवारी के पास ये फिल्म लेकर। मनोज तिवारी पहले ये फिल्म करना नहीं चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने यह फिल्म इसलिए करने के लिए हाँ कर दी कि उन्हें लगा कि फिल्म में हीरोइन, जी हाँ, वैसे इस फिल्म के लिए हीरोइन रानी मुखर्जी ही तय थी, लेकिन रानी ने भोजपुरी फिल्में करने से मना कर दी और उनकी जगह भोजपुरी में रानी चटर्जी ने ली। वैसे रानी चटर्जी का नाम रानी मुखर्जी से इंस्पायर होकर लिया गया है। फिर क्या था, फिर तो ये फिल्म आई और एक इतिहास कायम कर दी। और उसके बाद मनोज तिवारी ने बैक टू बैक कई भोजपुरी को बेहतरीन फिल्में दी। मनोज तिवारी भोजपुरी के इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्होंने भोजपुरी में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, नगमा, भाग्यश्री जैसे कई बड़े बॉलीवुड के सुपरहिट स्टार के साथ काम किया है। और अब बात खबर नंबर 5 यानी कि जानकारी नंबर 5 की, ये काफी रोचक है तो इसे ध्यान से सुनिएगा। वैसे 2009 में समाजवादी पार्टी ने मनोज तिवारी को अप्रोच किया कि वो राजनीति में आए। वैसे राजनीति में वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब मनोज तिवारी को मुलायम सिंह यादव ने काफ़ी अपील की आने की, तो मनोज तिवारी आ गए, क्योंकि मनोज तिवारी की लोकप्रियता को देखकर समाजवादी पार्टी ये जानती थी कि अगर उन्होंने मनोज तिवारी को किसी बड़े कैंडिडेट के सामने खड़ा किया तो वो वोट काटने में काफ़ी सफल रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, मनोज तिवारी को गोरखपुर से चुनाव लड़ाया गया। लेकिन हाँ, इसके पीछे भी एक रोचक बात है, मनोज तिवारी को ये बात कभी नहीं पता थी कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो बस समाजवादी पार्टी जैसा जैसा कहती गई वो ऐसा वैसा करते गए। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो समझ चुके थे कि वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर ये जानती थी, मनोज तिवारी जैसे लोकप्रिय गायक अगर सामने खड़े रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने ही क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने में रह जाएंगे और किसी क्षेत्र में नहीं जाएंगे। इसका फायदा उस वक्त के चुनाव में समाजवादी पार्टी को हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस वक्त गोरखपुर में ही अपना चुनाव प्रचार करते रह गए। मनोज तिवारी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, एक बार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, अगर मनोज तिवारी से टक्कर ले रहे हैं तो उन्हें अपना चुनाव प्रचार ही गोरखपुर में ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश के और इलाकों में चुनाव प्रचार नहीं किया। हाँ, लेकिन अंजाम जो मनोज तिवारी पहले से ही जानते थे कि वो हार जाएंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो वो ऐसा ही हुआ। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मनोज तिवारी हार गए, चुनाव लड़े भी, और आज दोनों बीजेपी के गद्दावर नेता हैं। यकीन है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं, ऐसे ही अपने सुपरस्टार्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जाननी हैं जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी हैं, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा।
जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उस हिसाब से हम आपके सुपरस्टार की ऐसी अनसुलझी अनकही बातें आपके सामने लाएंगे जो अब तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।